हाय, माय नेम अनिल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम ऑनलाइन द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे पे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यह बता दूँ कि आप गूगल में जाकर ई इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइप कीजिए और उसे सर्च कीजिए। उसे सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि आपके डेस्कटॉप के स्क्रीन पे व्यू ऑब्लिक पे बिल ऐसा लिख कर आ रहा है, तो फिर आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कंज्यूमर टाइप, कंज्यूमर नंबर और बीयू, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो भी कंज्यूमर नंबर है, तो कंज्यूमर नंबर मींस आपका ग्राहक क्रमांक हो गया। तो यह आपका जो ग्राहक क्रमांक है वह आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। अभी मेरा ग्राहक क्रमांक है 02 00 02 00। यह मैंने यहाँ पर ग्राहक क्रमांक फिल कर दिया। और यहाँ पर बीयू का मतलब है कि क्लीनिंग यूनिट, तो यह सभी क्षेत्र का अलग अलग होता है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र का है 4720, तो फिर यहाँ पर आप क्लिक करके 4720 पर क्लिक कीजिए। ये देखिए डुम्बली ईस्ट, इस पर क्लिक करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कीजिए। आप सबमिट पर क्लिक कीजिए। ये देखिए यहाँ पर आपका जो भी कंज्यूमर नंबर है, सर्कल कोड है, फिर डुम्बली ईस्ट, ये जिस मंथ का बिल है वह, और कंजप्शन, जो भी जितने भी यूनिट आपके गए हैं वो बिल अमाउंट। तो आप मेक द पेमेंट पे क्लिक कीजिए। मेक द पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आई एग्री टू द अबव का जो भी ऑप्शन है आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए, अगर है तो, यह कंपलसरी नहीं है। और पे नाउ पर क्लिक कीजिए। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आप डेबिट कार्ड द्वारा, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा, जिसके द्वारा पे करना चाहते हो। तो मैं डेबिट कार्ड द्वारा पे करना चाहता हूँ। तो फिर आपका जो भी है, वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, आप उसके द्वारा पे कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप नेट बैंकिंग द्वारा भी पे कर सकते हो। जैसे कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, तो यहाँ पर देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो भी ऑप्शन, आप उस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए, और यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दीजिए और सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आपका जो भी लाइट बिल है वह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द्वारा पे हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी जो भी कमेंट्स हैं इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। शुक्रिया।